वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम ज़रात की एक बला यानी जड़ी बूटी के मतलब आपसे मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की जड़ी बूटी का नाम पार्थेनियम है और इसको उर्दू में गाजर बूटी भी बोलते हैं। दोस्तों, पार्थेनियम दरअसल मेक्सिको और अमेरिकन साइड से चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक में फैलती गई। दरअसल ये शुरू में ये जड़ी बूटी कम टेम्परेचर दर्जा हरारत वाले मुकामात में ज़्यादा फैली, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने अपने आप को काफ़ी हद तक मुकाबला करके अपने अंदर मॉडिफिकेशन की और पाकिस्तान में भी सबसे पहले हिली एरियाज़ के अंदर पार्थेनियम को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ पार्थेनियम मदाने इलाकों की तरफ भी चलती गई। कैसे आई इसकी कहानी भी दिलचस्प है। बाज़ टूरिस्ट हिली एरियाज़ में जाते हैं, उनकी गाड़ियों, उनके सामान और दीगर चीज़ों के साथ इसके बीच आ जाते हैं। दोस्तों, जब ये अपने इलाकों में पहुंचते हैं तो वहाँ मैदानी इलाकों के अंदर ये जड़ी बूटी फैलने का ज़रिया बनती चली गई। दोस्तों, हमारी कोताही की वजह से आज पार्थेनियम हिली एरिया से निकलकर पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और मुल्हिक इंडिया के दीगर सूबों के अंदर भी फैल चुकी है। दोस्तों, इसका बीज पांच कोनों वाली पत्तियों पर मुश्तमिल होता है, जिसके बीच में फूल निकलते हैं। दोस्तों, ये पकने के बाद भूरे रंग के हो जाते हैं, लेकिन अनपका हुआ यानी बगैर पका हुआ बीज सफ़ेद रंग का होता है। दोस्तों, एक पौधा हज़ारों की तादाद में बीज पैदा करने की सलाहियत रखता है। जानवरों के अंदर इस पौधे की वजह से डर्माटाइटिस की बीमारी रिकॉर्ड की गई है। इंडिया के कुछ इलाकों के अंदर शरई साइंसदानों, वेटरनरी और डॉक्टर्स ने इसको नॉमिनेट किया है कि ये डर्माटाइटिस की डिज़ीज़ कॉज कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंसानों के अंदर ये जड़ी बूटी मुख्तलिफ बीमारियाँ, ख़ास तौर पर जल्दी बीमारियाँ फैलाने का बायस है। दोस्तों, जिस फसल के अंदर ये जड़ी बूटी होती है वहाँ पर दूसरी फसलों को उगलने में ये सबसे ज़्यादा मुकाबला करती है। ख़ास तौर पर मकई और गन्ने के अंदर इसने अपना बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नुकसान दिखाया है। दोस्तों, इसके अंदर एलीलोपैथिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत सारे कीड़े तो इसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हाल ही में रिसर्च करने के बाद कुछ जानवर इसको शौक से खाते हैं और उनको पाला जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा ये जड़ी बूटी जहाँ भी नज़र आए, खेतों के अंदर, खालों के अंदर, जहाँ पर नज़र आए इसको फ़ौरन तलब किया जाए। दोस्तों, आज की मालूमात यहीं तक। मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेती है आपकी निस्बात, तीर जितने भी हम पे अंकल मेरे पैसे पैसे ओए कौन से पैसे है? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या सही नहीं कर रहे हैं? जा जाके अपने बाप को बुला। एक सहारा ना मेरा बाप है ना मेरी लगाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौला ना मुहम्मदिन।